नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिनार्जिन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, सिनार्जिन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सिनार्जिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि सिनार्जिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में सिनार्जिन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। सिनार्जिन टैबलेट का उपयोग चक्कर आने की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सिनार्जिन टैबलेट का उपयोग सफर में जी मिचलाना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदि समस्याओं को रोकने के लिए या ठीक करने के लिए भी डॉक्टर सिनार्जिन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। सफर में जी मिचलाना, चक्कर आना, उल्टी आना या उल्टी आने की समस्या को रोकने के लिए डॉक्टर सिनार्जिन टैबलेट के साथ साथ वर्टिन टैबलेट को भी लेने की सलाह दे सकते हैं। सिनार्जिन एक सॉल्ट नेम है। सिनार्जिन टैबलेट को वर्टिगोन आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। सिनार्जिन टैबलेट 25 mg व 75 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिनार्जिन टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। सिनार्जिन टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर सिनार्जिन 25 mg टैबलेट को दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं। यदि आप सफर में जी मिचलाना या उल्टी आने की समस्या को रोकने के लिए सिनार्जिन टैबलेट को लेते हैं, तो सिनार्जिन टैबलेट को सफर में जाने से 2 घंटे पहले लेना रेकमेंडेड होता है। सिनार्जिन टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको सिनार्जिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना सिनार्जिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिनार्जिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सिनार्जिन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में सिनार्जिन टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बदहजमी, नींद ज्यादा आना और वजन का बढ़ना आदि साइड इफेक्ट्स सिनार्जिन टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिनार्जिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में सिनार्जिन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। सिनार्जिन टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और सिनार्जिन टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि सिनार्जिन टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद ज्यादा आ सकती है, पार्किंसंस डिजीज होने पर और लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर सिनार्जिन टैबलेट को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना सिनार्जिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सिनार्जिन टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को सिनार्जिन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं सिनार्जिन टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सिनार्जिन टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सिनार्जिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सिनार्जिन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।